भी आएंगे होली डाल में वो सब ब्रज की जो रीति है वही वही भाव कृष्ण के संबंध से ही वो भाव रखे। परंतु रीठा कहते मन सब मन जहाँ पंगत होती है गांव होती है गांव तो सब आते हैं। तो परंतु इतना श्री दास गोस्वामी जी की जो प्रवृत्ति रही वो प्रवृत्ति इतनी अद्भुत रही कि राधा रानी के प्रति इतनी निष्ठा कि चंद्रावली जी तो जैसे कट्टर दुश्मन हो गए। ऐसा भाव ये हृदय में कृष्ण प्रिय होने के कारण परम आदर भी होगा कभी निंदा नहीं करेंगे। बल्कि रसकों की रीति तो ये रही है कि साधक अवस्था में जब हम विराजमान हैं तो हम श्री कुब्जा जी के प्रति भी परम आदर का भाव ही रखेंगे। तो कुब्जा भी है तो ठाकुर की कृष्ण प्रिय और कृष्ण कांताओं के बीच में कुब्जा जी की भी गिनती की गई है तो साधक अवस्था में उनके प्रति भी। परंतु जहां भाव की को स्थिति आएगी वहां पर श्री शुकदेव जी कुब्जा को भी दुर्भगेद मैं आ चुका हूं दुर्भगा कह करके गाली देकर के बोल देंगे तो कुब्जा बड़ी भाग्यहीन है जिसने माना ये गोपी भाव भावित होकर के श्री शुकदेव जी के वचन में दुर्भगा कहना अन्यथा कुब्जा को परम परम सुहागा होकर के गिराएगा। जीव गोस्वामी कह दिया कि परम सुहागा होकर के श्री जीव गोस्वामी श्री शुकदेव मुनि जो कह रहे हैं वो गोपी भाव भावित होकर के दुर्भगा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अन्यथा कौन अपराधी होगा एक सामान्य जीव क्या ये हिम्मत रख सकता है क्या कि वो कृष्ण कांता को के साथ में अशिष्ट बोली या गाली की बोली बोल दे महा अपराध हो जाएगा सेवा अपराध हो जाएगा महत अपराध हो जाएगा। परंतु निज भाव इतना है शुकदेव जी का कि उस समय दुर्भागा कहकर के कुब्जा को संबोधित कर रहे क्योंकि भाव जो है मन में बोलिए कि मैं राधा दास हूं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जो प्रवृत्ति रही वो ये रही है कि मैं राधा दासी हूं राधा कुंड बस यहीं पर रहना है और राधा कुंड उनका आश्रय लेकर के राधा रानी के परकर रूप में ही अपने विराजमान ब्रजवासी जो राधा कुंड के छोटा सा मठा दे जाए दही दे जाए बस उसको खा करके रहे। अब एक बार एक ब्रजवासी बड़ा सा खल्ला ले आया ज्यादा सा दही और दास गोस्वामी जी को दिया कभी तो पूछते नहीं है आज ही पूछ बैठे बोले भैया आज तो बहुत बड़ा दोना लाए इतना बड़ा दोना कहां से मिल गया इतने बड़े पत्ता कहां से मिल गए। उसने कह दिया कि मैं सखी स्थली से लाई बोले ले ले लिया जगह धो ये परकियाओं का ये पक्षियों का और यहां पर ले आया है यहां से बिल्कुल यहां दूर फेंकते हैं यहां पर इधर फेंकते बाहर फेंकते और दही को नहीं दिया दही का त्याग कर दिया कि चंद्रावली जी के गांव के दोने में दही आया बोले हमारा तो छोटा दोना है उतना भी काम चल जाएगा जब मिलेंगी मध्यान्ह में उसे पन्ना कहीं हमसे ये नहीं कह रहे चंद्रावली जी की सखी लो दोना तो हमारा ही लेना पड़ेगा तो कहीं हमारी सखी का हेठी हो जाए ये स्वीकार नहीं करेंगे ये कहीं था। तो यहाँ पर जो कुछ भी ये प्रसंग चल रहा है ये राधा निष्ठा में चल रहा है परंतु साफ सावधान इसके द्वारा कभी भी ये भाव हृदय में धारण नहीं करना है कि चंद्रावली जी कोई मामले थोड़ी परंतु निज अभिमान ये निज अभिमान है तो वहां पर पूरी कटाकटी वहां पर पूरा ईर्ष्या होकर के विराजमान। तो वृंदा मुस्कुरा करके मौन करने लगी फिर यू कहा कि आगे फिर क्या होगा ईदृशी चंद्रावली है भक्ति बोले पदाघाते नो हाँ उसने चरण का आघात किया इससे उनका भाष्य आदिशय प्रकट हो रहा है अत्यंत दृष्टता प्रकट हो रही है इससे पता लगता है कि अनुत्तम आगे उत्तम नहीं कि कहीं कोई चरण का आघात करके निकालता है क्या परंतु उन्होंने चरण का आघात करके निकाला। अतः अनुत्तम स्फुट किंतु परम सुखद निज भवनम बा पकर अच्छा परम सुखद निज भवन से निकाला इसका क्या तात्पर्य है वृंदा जी कह रही है इसका अर्थ है परम सुखद का अब एक एक शब्द का अर्थ हो रहा है कि निविड़ पुष्पवन भृंग गुप्त की गुंजार इत्यादि से वो रहित है माने सखी स्थली में उतनी
हरियाली नहीं है जितनी हरियाली श्री राधा कुंड में, ये कहने का तात्पर्य। तो वो परम असुखद है अथवा किंबा परम सुखम दारेति, सुखद का मतलब है सुखम दारेति इति सुखद, सुख को जो नष्ट करे, ऐसा जो सुख को नष्ट करने वाला भवन अर्थात सखी स्थली, उस सखी स्थली का सांखेड़ा उसका त्याग करके ये यहां आ गए। तो तब अपहायो उसको छोड़ करके ये यहां आ गई है, उन्होंने सखी स्थली से इनको निकाल दिया। श्री नारायण की जी करिए, आहा बड़ा बूढ़ा तूने व्याख्या की, कैसी कुशलता है तुम्हारी। अब नवीन गोप इनका भी अर्थ अब प्रकट करो। अब श्री वृंदा जी आगे नवीन गोप का अर्थ प्रकट करेंगे कि श्री कृष्ण आप नवीन गोप होकर के ही विराजमान, अर्थात सर्वदा नवीन होकर के ही विराजमान है। माने चंद्रावली जी वे कहीं धृष्ट होकर के श्री श्याम सुंदर उनसे मान धारण करके चली जाती है। चंद्रावली जी के मान में एक विशेषता है कि उसमें कहीं गंभीर विराजमान है, परंतु यहां पर प्रिया जी के मान की अपेक्षा चंद्रावली जी का मान उतना सुखद नहीं है। चंद्रावली जी अत्यंत आदर पूर्वक मान प्रकट करती हैं, जबकि राधारानी तत्व से उल्टी बात है, राधारानी कठोरता पूर्वक अपने मान को प्रकट करती है। कभी श्री चंद्रावली जी के सामने श्याम सुंदर आप विराजमान है, कह रहे हैं हे प्रिय तुम्हारे वियोग में मैं अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहा था, और उस समय राधा मेरी शरण हुई। श्री चंद्रावली जी चौंक जाए, बोले राधा श्याम सुंदर, पर गलती हो गई, धारा अक्षर बदल गया, राखी जी का धार बन गया, धाकी जी का राह बन गया, मैं राधा नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि यमुना की धारा मेरे विरह को मेरे पाप को शांत करने में समर्थ हुई। तो धारा और राधा ऐसे गोत्र स्खलन होने पर श्री चंद्रावली जी को मान तो हो गए, और कह रही है चंद्रावली जी श्याम सुंदर मुझे क्षमा करें, मैं अनुचित समय में आपको रोक रही हूं, वितर्क माधव ने पूछा मुझे वर्णन किया, मैंने अनुचित समय में आपको रोका और मुझे अनुमति प्रदान कर, और श्याम सुंदर मनाते मनाते भी चंद्रावली जी मान करके चली जाए। तो चंद्रावली जी के मान में एक विशेषता है कि वे बड़ी गुस्सा होने पर भी कभी शिष्टता का त्याग नहीं करती, और मीठे शब्दों में ही कहीं वे अपने मान को प्रकट करती हैं। चलेंगी तब धक धक करके क्रोध कर दिखाती हुई चलेंगी, पता लग जाएगा हाँ गुस्सा है, परंतु श्री राधा रानी में तो इतनी गुस्सा हो जाए कि श्याम सुंदर की माला वाला तोड़ने लग जाए, छीना झपटी करने लग जाए। तो राधा रानी के मान में और श्री चंद्रावली जी के मान में, राधा रानी का मान जो ललित मान होकर के, श्री चंद्रावली का मन ललित मान होकर के विराजमान है, राधारानी कहीं अपने मान को अत्यंत दृढ़ मान करके कठिन होकर के भी विराजमान करती है, पर यहाँ पर उसी मान को श्रेष्ठ न मान करके श्री राधारानी के मान को ये श्रेष्ठ मान करके कह रही है कि उस देवी ने कहीं इनको अपने घर से निकाल दिया, अर्थात ये प्रेम सरोवर में आगे और साहुर बन जो है उस साहुर बन का और इन्होंने त्याग कर दिया। ऐसे ये देवी के द्वारा त्याग होकर के नए गोप बन करके यहाँ पर आए हैं। बोलो नाम बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय। Radha Raman Hari Govind Jai Jai, Radha Raman Hari Govind Jai Jai, Nikal Gaur Hari.